जय देवी माता की। दोस्तों मैं अनिता कुमारी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों बहुत लोगों की कंप्लेन रहती है कि दीदी जब हम गमले में किसी पौधे को लगाते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो पौधा पुराना होने लगता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और उस पर अगर हमने सब्जियों के पौधे लगाए तो उस पर सब्जियां उतनी ज्यादा नहीं आती हैं, अगर हमने तुलसी का पौधा लगाया तो उसमें भी पत्तियां कुछ खास नहीं रहती हैं और पौधा सिर्फ लंबा ही होता है, घना नहीं होता है। और अगर हम फूल वाले पौधे को लगाते हैं तो उसमें उतने फूल नहीं आते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसा फर्टिलाइजर शेयर करने वाली हूँ, इस फर्टिलाइजर को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हो, चाहे वो सब्जियों के पौधे हो, चाहे वो फूलों के पौधे हो, चाहे वो तुलसी प्लांट हो। इस ये जो फर्टिलाइजर है इसको बनाने का जो तरीका है वो दो तरीके से है, आपको जो अच्छा लगे आप उसे यूज कर लीजिएगा। दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। दोस्तों जब हम गमले में किसी पौधे को लगाते हैं तो स्टार्टिंग में जो मिट्टी होती है ना वो उपजाऊ होती है, लेकिन जब उसमें हम पौधा लगा देते हैं 15 से 16 दिन तक, वो पौधे की जो पौधा है वो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो खींच लेता है, जिसकी वजह से जो मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाती है, खाली हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो मिट्टी को हमेशा ही हमें उपजाऊ बनाने के लिए उसमें कोई ना कोई फर्टिलाइजर हमें यूज करना चाहिए। उसमें से एक फर्टिलाइजर मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हमको सिंपल से क्या करना है कि इसमें मैंने क्या करा था कि मूंगी मसूर की दाल जब हम बनाते हैं तो नॉर्मल सी बात है हम उसको धुलते भी हैं, तो मैंने ऐसे मूंगी मसूर की दाल बनाने के लिए जब मूंगी मसूर की दाल को धुला उसका पानी मैंने ले लिया, फेंका नहीं, ठीक है। और उसके बाद आटा गूंदने के बाद हम हाथ को धुलते हैं तो मैंने उसी पानी में ही अपने हाथ को धुल लिया था, तो मैंने वो पानी भी फेंका नहीं और उसको रख लिया। फिर उसके बाद उसमें एक चुटकी मैंने डाल दी हल्दी। तो दोस्तों ये हमारा तैयार हो गया कि फर्टिलाइजर। इस फर्टिलाइजर का फायदा दोस्तों ये है कि अगर किसी पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो उसमें अगर आप इस फर्टिलाइजर को डालते हो तो उसमें फूल आने लगते हैं। अगर किसी पौधे में उतनी सब्जियां नहीं लग रही हैं जितनी आपको चाहिए, बहुत कम मतलब सब्जी लग रही है, तो उसमें अगर आप इस फर्टिलाइजर को डालते हो तो उसमें सब्जी बहुत अच्छी मात्रा में आने लगती है। अगर आप तुलसी के प्लांट में डालते हो तो आपकी तुलसी मजबूत और हरी भरी घनी होने लगती है। तो आप इस फर्टिलाइजर को एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर है। मैं कभी भी किसी भी चीज का धुला हुआ पानी कभी नहीं फेंकती हूँ, उसको मैं अपनी तुलसी प्लांट या और भी मैंने बहुत से प्लांट लगाए हुए हैं उनमें मैं डालती रहती हूँ। जो तुलसी प्लांट है उसमें तो चलो मैं ताजा ताजा पानी डाल देती हूँ, लेकिन जो बाकी प्लांट्स हैं उसमें मैं क्या करती हूँ कि इस फर्टिलाइजर को या जो और भी फर्टिलाइजर मैं बनाती हूँ 3-4 दिन जब पुराना हो जाता है तब डालती हूँ। दोस्तों अगर इस फर्टिलाइजर को आप ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हो तो इसे आप 5 दिन के बाद यूज कीजिएगा, फर्टिलाइजर को बनाकर रख लीजिएगा, उसके 5 दिन के बाद इसको यूज करें। क्यों कि इसमें जब आप 5 दिन के लिए रख दोगे तो इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे जो कि मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और पौधे के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। इस फर्टिलाइजर को 5 दिन के बाद जब आप अपनी मिट्टी में डालते हो तो मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाती है और नरम हो जाती है और उसमें केचुए भी पैदा हो जाते हैं और उसमें जो भी पौधा लगा होता है वो पौधा भी बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता है। दोस्तों बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि अब इसको धुले हुए पानी को तुलसी में कैसे डालें, तो उसके लिए दूसरा तरीका है कि आप नॉर्मल सा पानी ले लीजिए। पानी आप देख लीजिएगा कि आप 1 लोटा लोगे कि 2 लोटा लोगे। अगर 1 लोटा है तो उसमें आप 1 चम्मच आटा डाल दीजिए और 1 चम्मच मूंगी मसूर की पीसी हुई दाल डालकर अच्छे से मिला दीजिए और उसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालकर मिलाकर 5 दिन के लिए रख दीजिए, ठीक है। 5 दिन रखने के बाद फिर उसको अगर गर्मी का टाइम है तो डायरेक्ट डाल दीजिए, अगर सर्दी का टाइम है तो उसे छान कर डालिए। और अगर आप 5 दिन नहीं रखना चाहते तो 24 घंटे के लिए आपको जरूर रखना है, 24 घंटे के बाद आपको अपनी तुलसी में डाल देना है। अगर आप धुला हुआ पानी नहीं डालना चाहते तो आप इस तरीके से भी अपनी तुलसी में इस फर्टिलाइजर को डाल सकते हो। और बाकी जो पौधे आपको जैसे सब्जियों के या फिर फलों के या फिर फूलों के तो उसमें आप धुला हुआ पानी को यूज कर सकते हो, इससे आपके जो पौधे हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, नॉलेजेबल लगी तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय दोस्तों।